नाम बदलने से क्या भगवान ऊपर से उतर आएंगे कि स्टेशन का अवस्था बदल जाएगा? खबरों का असर तो होता है। हमने रघुनाथपुर स्टेशन पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को लोगों को दिखाया और उसी दिन रात 2 बजे DRM ने रघुनाथपुर स्टेशन का निरीक्षण कर लिया। जी हां दोस्तों, दानापुर रेल मंडल के DRM प्रभात कुमार औचक निरीक्षण करने रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन आधी रात को पहुंच गए थे। आपको बता दें कि इस स्टेशन का नाम चेंज किया जा रहा था, जिसकी वजह से यहां के रहने वाले स्थानीय लोगों ने यहां धरना प्रदर्शन दिया था, तो इसको हमने कवर किया और आप लोगों तक पहुंचाया। मतलब लोगों में बिल्कुल साफ है कि यहां के ग्रामीण जो है वो सारे लोग आए हुए हैं, इकट्ठा हैं और इस चीज को बिल्कुल वो पुरजोर तरीके से उठाना चाह रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारा जो रघुनाथपुर है वो उसका नाम ना बदला जाए। तो अब चलिए हम आपको यहाँ के स्टेशन का थोड़ा सा हाल दिखाते हैं, क्योंकि जिस स्टेशन का नाम बदला जा रहा है उस स्टेशन का हाल एक बार आपको भी देखना चाहिए। कि अंदर प्रवेश करने के लिए जो द्वार है ये वो द्वार है, आप देख सकते हैं, और यहाँ की वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक काउंटर है, एक दूसरा वाला जो है वो बंद है, यहाँ पे दो काउंटर भी है, यहाँ पे दो काउंटर हैं, तो एक बंद रहता है, एक खुला रहता है, एक ही चलता है, एक ही चलता है। तो रिजर्वेशन करवाना हो तो कहाँ से करवाना है? और अगर लोकल ट्रेनों को यही से होता है, दोनों काम यहीं से होता है। यानी कि आपको रिजर्वेशन करवाना हो या फिर पैसेंजर ट्रेनों के लिए टिकट लेना हो तो दोनों काम के लिए आपको यही आना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर रघुनाथपुर स्टेशन से बात कर ले तो रघुनाथपुर स्टेशन क्या है भैया, रिजर्वेशन कौन से ट्रेन का करवा रहे हैं? मगध यहाँ पे रुकेगी, आरा से जाना पड़ेगा। मतलब आप रघुनाथपुर के हैं, इतना बड़ा स्टेशन है नाम के लिए, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, जैसा कि लोग विरोध भी कर रहे थे कि नाम बदल देने से अगर ये अमेरिका हो जाए तो इसका नाम अमेरिका ही रख दीजिए, तो सही में रख दीजिए और इसे अमेरिका बना दीजिए। क्या जरूरत है कि यहाँ के रहने वाले लोग कहीं जाने के लिए किसी भी ट्रेन का अगर लेते हैं टिकट, देखिए धड़धड़ाते हुए अगर लगे कि नहीं, यही सच्चाई है कि यहाँ से ट्रेन धड़धड़ाते हुए निकलेगी मगर लगेगी नहीं यहाँ पर। तो मगध का जो है कि भैया टिकट कटवाएंगे लेकिन उनको पकड़ने के लिए आरा ही जाना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद भैया। और ये जो है मगधी निकल गई और मगधी थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो स्टेशन जहाँ पर सुविधाओं के नाम पे आपको कुछ दिखेगा नहीं, एक चाय का स्टॉल तक इस स्टेशन पे नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ का जब नाम बदलने का बात होगा तो इसका सबसे पहले बिहार में सबसे पहले इसका नाम बदला जाएगा। हालांकि इस स्टेशन का नाम रघुनाथपुर है और इसे बाबा परमेश्वरनाथ धाम किया जाना है, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उन्हें इस बात से आपत्ति है, वो चाहते हैं कि न बदला जाए, नाम न बदला जाए, ताकि जो हमारा जो पहचान है, जो संत तुलसीदास जी जो नाम दिया था वो नाम ही बेहतर है। अब किसी नेता से नाम लेने से बढ़िया है कि किसी संत का नाम ही रह जाए। यहाँ इतने लोग हैं कि आप लोगों को लगता है कि इसका नाम बदलना चाहिए? नहीं बदलना चाहिए, मतलब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और सबका एक ही मत है कि नाम नहीं बदलना चाहिए, फिर भी नाम बदलने की राजनीति ऐसा क्यों हो रहा है? जी बोलिए। जो भैया बता रहे थे आपको बाहर में कि 3 नंबर से 4 नंबर पे जाने के लिए सीढ़ी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि इसके आगे जो है सीढ़ी नहीं है। हालांकि 4 प्लेटफॉर्म तो है इस पे, लेकिन किस काम का जब ट्रेन ही ना लगे, जब लगना चाहिए पैसेंजर ही। ट्रेन भी लगती तो स्टार्टिंग में लगती है, 2 दिन के बाद रोज एक आदमी हो जाता है। अच्छा, ऐसा हो जाता है? अभी नहीं है, यहाँ के बाहर के यात्री आके कहीं अगर शौचालय का इस्तेमाल करना चाहे, हाँ, इस स्टेशन पर कहीं अवेलेबल नहीं है। अगर एक है भी तो उसमें सफाई नहीं है, कोई जा नहीं सकता। हाँ, इसका तो बहुत ही दुख है हम लोगों को कि इस स्टेशन पर कोई यात्री को सुविधा नहीं है, सुविधा के नाम पे कुछ नहीं। 2 घंटे से हम यहाँ आरा जाने के लिए टिकट के लिए खड़े हैं, लेकिन कहते हैं ट्रेन आएगी तब लेना, उस समय कितना भीड़ होगा आप ये समझ सकते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया कि जब ट्रेन आएगी तब लेना? यहाँ का ना यहाँ कर्मचारी है, ना कोई स्टाफ है, ना कोई मैनेजमेंट यहाँ। अच्छा, इसके वजह से यात्रियों को बहुत। तो फिर क्या सही में नाम बदल के इस स्टेशन का विकास हो जाएगा? नाम बदलने से क्या भगवान ऊपर से उतर आएंगे कि स्टेशन का अवस्था बदल जाएगा? नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। काम कीजिए आप, हाँ, काम करके दिखाइए, जनता को शो कीजिए। जनता तकलीफ में है, बैठे हैं, मर रहे हैं जी। कोई सुविधा नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। हालांकि एक ट्रेन तो आ रही है,
तो ये कौन सी ट्रेन है? मालगाड़ी है। मालगाड़ी हो चाहे कोई एक्सप्रेस हो, कल तक नहीं है। मालगाड़ी लगेगी और मेन ट्रेन का दो तो वो नहीं लगेगी। अच्छा, जो मेन ट्रेन है जो यात्रियों के लिए है वो नहीं लगेगी और जो मालगाड़ी है वो लगेगी। हाँ हाँ, मतलब एक नंबर पर एक चापा कल भी नहीं है। एक नंबर पे एक चापा कल भी नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा साइड हो जाइए, आप लोग ट्रेन आ रही है। हालांकि ये यहाँ पर जो लोग कोई पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ पे आप देख लीजिए ना कि क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आज से दो किसी दिन पहले एक महिला, एक औरत, एक भाई हमारे गांव के थे, यहाँ पानी लेने के लिए उतरे और उनका दोनों पैर कट गया। अच्छा, पानी लेने के लिए कोई मेल ट्रेन रुकी और वो यहाँ पे उतरे और बगल से पानी ले रहे थे, तब तक ट्रेन खुल गई और उनका दोनों पैर कट गया, जो कि एक नंबर और पानी का व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि ट्रेन गुजर रही है, मालगाड़ी है, और यहाँ पर कहा जाता है कि मालगाड़ियाँ तो लग जाती हैं किस्मत से, हालांकि उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नहीं है, चाहे वो पानी हो, वो शौचालय है, वो लोगों के लिए ट्रेन हो, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पर नाम बदल देना है। नाम बदल देने से रघुनाथपुर को इंग्लैंड कर देना है और इस इंग्लैंड का मजा यहाँ के लोग भी लेंगे। नाम नहीं बदलेगा को, नाम बदलने के विरोध में एक साथ पूरे गांव के लोग एक साथ खड़े हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक इस नाम को यथावत रहने नहीं दिया जाएगा। अच्छा। क्योंकि हमारा गांव हमारा मान स्वाभिमान है जी। किसी भी कीमत पर नहीं बदलना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं बदलना चाहिए। हालांकि भैया ने कहा था कि मालगाड़ी लग जाएगी तो लग गई है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेनों का यहाँ पर ठहराव नहीं है। ये बात हम सब लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमें मूलभूत सुविधाएं दी जाए, क्योंकि हमें नहीं चाहिए इंग्लैंड और अफ्रीका, हमें बस बिहार में जो शहरें हैं उन्हें शहर ही रहने दिया जाए, ताकि स्टेशनों का नाम बदल कर कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर वाकई में कुछ बदलना है तो सिस्टम को बदल दीजिए। मेरा एक निवेदन है कि मेरे बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए, उसका नाम बदलने का षड्यंत्र जो है बक्सर के कुछ लोगों ने शुरू किया। एक तथाकथित जज है, वो जांच का विषय है, जांच होना चाहिए नेताओं के पीछे क्यों घूमते हैं। प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि अब 700 करोड़ का योजना दिए थे बहुत पहले, तो उसके पूर्व में सुना में आए थे कि भागों में जो है वोटिंग लेने में नहीं है।